गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में भी हम अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी की सीरीज़ में हमने एक नया चैनल टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस बनाया है, जिसमें मैं और रोहित सर आपकी क्लासेस लेंगे। इस चैनल में के माध्यम से आप एसएससी जेई, स्टेट जेई, पीएसयू और ईएस, गेट आदि की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस चैनल में आपको हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट के उसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ नोट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सभी को पता ही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है सोम, ये अपने सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर हम लेते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो एक बेसिक सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसको पढ़ने के साथ साथ हम अदर सब्जेक्ट जैसे कि आरसीसी, स्टील हो गया, उसको भी हम ब्रॉडली कवर कर सकते हैं जब हमको बेसिक्स पता हो। ठीक है, तो ये जो हमारा चैनल है यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट, तो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। जैसे कि जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम का एकदम जीरो लेवल बेसिक से, अपने बेसिक से पढ़ेंगे पूरा सोम को। ठीक है, तो देखिए इस पूरे सिलेबस को, सोम के सिलेबस को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। ऐसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 है आपका बेसिक यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एक ही बात है। अब देखिए इस जो चैप्टर 1 है यहाँ से हम सब चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेंगे और साथ ही साथ इसका सिलेबस पूरा कवर करेंगे सोम का। और जैसे जैसे सिलेबस चलेगा बीच में कुछ आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रहती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोम सब्जेक्ट। पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है सोम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल, कौन सा मेटल, माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं आरसीसी में आपको पता होगा दो होते हैं सब्जेक्ट, एक होता है कंक्रीट और एक होता है स्टील। ठीक है, आप सभी को पता है कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट जो है एक कंप्रेसिव मेटल होता है, कौन सा मेटल, कंप्रेसिव, जबकि स्टील क्या होता है, एक डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, ठीक है, और कंक्रीट टेंशन में स्ट्रांग नहीं होता है, जबकि स्टील एक ऐसा मटेरियल है विच इज इक्वली स्ट्रांग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, जो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जो है माइल्ड स्टील का पढ़ते हैं, माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, यानी कि यह एक डक्टाइल, इसको हिंदी में बोल देते हैं तन्य, यह एक तन्यतापूर्ण मटेरियल कहलाता है, हम हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको ऐसे, तो माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मेटल मटेरियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज इक्वली स्ट्रांग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही इक्वली एक समान रूप से स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सचेंज ऑफ स्टील इज इक्वल टू कंक्रीट। देखो इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, देखिए आरसीसी में आपको पता है क्या होती है, तो स्टील होती है और एक क्या होती है, कॉन्क्रीट, तो जो इसका एल्फा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलते हैं इसको तापीय प्रसार गुणांक, जो है वो कॉन्क्रीट और स्टील का दोनों का होता है बराबर, और कितना होता है, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए अगर आरसीसी में इन दोनों का अल्फा अगर एक समान नहीं होगा तो थर्मल के इफेक्ट पर इन दोनों का जो फेलियर बिहेवियर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि इनका जो फेलियर होगा वो एक इक्वली नहीं होगा और वो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए इन दोनों का अल्फा एक जैसा है, अतः ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरा कंपेटिबल है, किस कंडीशन में, जब उस पर थर्मल का इफेक्ट पड़ता है तब। ठीक है, देखिए अगला चलते हैं, इट इज चीपर एंड वाइडली अवेलेबल मटेरियल, ये सस्ता है और आसानी से भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिसाइकलेबल एंड इजी टू वेल्ड, इसको अपन रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मान लो कोई अपने स्ट्रक्चर बने स्टील के, उसको घुमा के तोड़ के नहीं बनानी तो हम उसको मेल्ट करके नहीं शेप दे सकते हैं, तो इट इज़ रिसाइकलेबल भी है और इजी टू वेल्ड भी है, इसको इजी से वेल्डिंग भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में, देखिए टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील,
देखिए, आप सबको बताया कि माइंड एक्सरे करते हैं हम, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। टेंसाइल टेस्ट अगर आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान या डिप्लोमा के दौरान किया होगा तो आपको पता है कि टेंशन टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूटीएम मशीन, दैट इज़ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। हम टेंशन टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं यूटीएम मशीन, दैट इज़ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो देखिए, जो यूटीएम मशीन होती है उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है एएसटीएम द्वारा, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मशीन द्वारा, ठीक है। और किससे कंडक्ट होता है, यूटीएम मशीन से टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इलोंगेशन इज मेजर्ड बाय एक्सटेंसोमीटर। अब देखिए, आपको पता है यूटीएम मशीन में क्या होता है, जब हम स्टील रिइंफोर्समेंट को लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता है, एक जो होती है, जो में हम इसे मान लो सरिया है, इसका मैंने इस ये एंड और ये एंड है जो में फिक्स कर दिया है, और यहाँ से मैं पी पी समझ रहे हो, पी टेंशन फोर्स पी लग रहा है दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ठीक है। अब आप देखोगे जब टेंशन फोर्स टी लगता है इसमें, तो देखिए ये एक सेक्शन मान लिया मैंने 1-1 और 2-2, ठीक है। इस सपोज इस सेक्शन की जो ये लेंथ है, ठीक है, गेज लेंथ मान ली वो है 2 इंच, और ये गेज डायमीटर कितना है 5 0.5 इंच, ठीक है। तो ये एल नॉट अपॉन में डी नॉट, यानी कि गेज लेंथ और गेज डायमीटर। आप सबको पता है कि हम यूटीएम मशीन में क्या करते हैं, स्टील रिइंफोर्समेंट को फिक्स कर देते हैं जॉज में, और टेंशन फोर्स ऊपर और नीचे लगाते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया की जो हम ग्राफ एक होता है कंप्यूटर में, मशीन के पास में कंप्यूटर लगा होता है जिसमें हम पूरी प्रक्रिया का ग्राफ भी प्लॉट हो जाता है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि किस लोड पे ये फेल हुआ है, ठीक है। फेल अलग अलग हो सकता है, वो हम सब चेक करते हैं। अब देखिए इसमें जो इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन मतलब होता है कि ये जो बार है ये खींचेगी, यानी कि इस पी फोर्स से और इस पी फोर्स से ऊपर नीचे खींचेगी, तो ये कुछ ना कुछ एक्सटेंड होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, एक्सटेंड होगी, तो वो इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन को नापने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंसोमीटर का उपयोग करते हैं, किसका, एक्सटेंसोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए गेज लेंथ और गेज डायमीटर, यानी गेज लेंथ मैंने वाला एल जीरो और गेज डायमीटर डी जीरो, इनका रेशियो कितना होता है 4 होता है, ध्यान रखना। अब चाहे लेंथ आप कैसे भी ले लो, एल जीरो डी जीरो आप चाहे वेरी कर सकते हो, लेकिन इनका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 4 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट होता है फेलियर, यानी कि इस हम जब यूटीएम मशीन में किसी भी रिइंफोर्समेंट को ब्रेक करते हैं टेंसाइल टेस्ट द्वारा, तो उसका फेलियर 2 प्रकार का हो सकता है। देखो पहला फेलियर, देखो नेकिंग फेलियर, यानी कि जब देखो यहाँ से एल जीरो डी जो दिख रहा है आपको, यानी कि फेलियर कैसे होगा, ये जब ये बार ऊपर पतली होती जाएगी तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे बैंड होती चली जाएगी इस तरह से, तो ये हो जाएगा नेकिंग, ठीक है। यानी कह सकते हैं भाई ये अगर एक्सेस है तो यहाँ से लगभग ये 45 डिग्री, यानी कि कोणीय एक शंकु की तरह फेल हो जाएगा इधर और इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेकिंग फेलियर। और अगर मेटल कौन सा ब्रिटल है तो क्या होगा, ये ब्रिटल होगा तो ये ऑटोमेटिकली बी से कट जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ से सेंटर से चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ब्रिटल फेलियर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो होता है टेंसाइल स्टील का कौन सा, यूटीएम टेस्ट, कौन सा टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक जो हम काम लेते हैं, देखिए बेसिक टर्म है स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा लगाया गया वह आंतरिक प्रतिरोध जो डिफॉर्मेशन है ना, जो डिफॉर्मेशन को रोकता है, यह हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट डिफॉर्मेशन या पूछ सकते हैं बिफोर डिफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी वस्तु टूटने से पहले जितना आंतरिक प्रतिरोध लगाती है उसे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम मान लो लेट सपोज अगर हम मान लो कोई माचिस, आप सबको पता ही है ना, आपने देखा होगा, मान लो ये एक माचिस हो गया, माचिस की डब्बी हो गई, ठीक है ना, माचिस की डब्बी सबने देखी है, तो ये माचिस की जो डब्बी है इसमें सपोज इसका ये इंटरनल वाला पार्ट है वो अपने निकाल दिए, आउटर पार्ट है। अब इसको मान लो हर तरह से मैं प्रेस करूँगा तो एक पॉइंट आएगा जिस पे ये टूटने से पहले हल्का सा फोर्स अंदर की तरफ से लगाएगी, हमको थोड़ा सा तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम इसको हथेलियों के बीच रख के प्रेस करते हैं, तो जो फोर्स माचिस ने एग्जॉस्ट किया ना हथेलियों के अगेंस्ट वो कहलाएगा आपका स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि पी अपॉन में ए, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस का उल्टा होता है, प्रेशर एक्सटर्नल लोड लगता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और प्रेशर की डेफिनेशन थी, इससे अगले वीडियो में हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को, ठीक है, थैंक यू।